हाय फ्रेंड्स, सुरभि की रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मटर मलाई पनीर, जो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है और बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। आप इसे एक बार मेरे तरीके से बनाकर ट्राई करिए, मेरी गारंटी है आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने मलाई मटर पनीर बनाने के लिए 300 ग्राम हरा मटर लिया है और 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैंने क्यूब शेप में काट लिया है। यहाँ मैंने पैन में 2 टेबल स्पून तेल ले लिया है और तेल को हमें थोड़ा गर्म कर लेना है। यहाँ तेल गर्म हो चुका है, अब हमें इसमें डाल देना है साबुत, 4 से 5 लौंग, 3 छोटी इलायची और 2 दालचीनी। इसे हमें डाल देना है और कुछ सेकंड के लिए इसे हमें सौटे कर लेना है। अब हमें इसमें डाल देना है 2 प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है, और 1 बड़ा सा टमाटर, इसे भी मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है, और 2 इंच अदरक। इसके बाद 9 से 10 लहसुन की कली और 10 से 12 काजू इसमें हमें डाल देना है। और डालकर हमें इन सभी को फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और सॉफ्ट करने के लिए हमें इन्हें कुछ मिनट के लिए इसे ढककर हमें पका लेना है। तो चलिए इसे ढक देते हैं। कुछ मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए टमाटर कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हमें गैस को ऑफ कर देना है और इस टाइम इसे हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा हो जाने के बाद इसे हमें ग्राइंड करके इसे स्मूथ एक पेस्ट बना लेना है। ये देखिए ये ठंडा हो चुका है और इसे मैं एक मिक्सर जार में ले लेती हूँ और इसे पीसकर इस तरह से स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेना है। कढ़ाई में हमें 2 टेबल स्पून तेल ले लेना है और तेल को हमें थोड़ा गर्म कर लेना है। तेल गर्म हो चुका है, अब हमें इसमें डाल देना है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके तुरंत बाद ही हमें जो बना हुआ पेस्ट है इसे हमें इस तेल में डाल देना है। सबसे पहले मैंने तेल में लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर इसलिए डाला है ताकि सब्जी का कलर दिखने में बहुत ही अच्छा आए। और इसे हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इस तरह से। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से तेल रिलीज ना हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तेल रिलीज होकर सरफेस पे दिखाई दे रहा है। अब हमें इसमें डाल देना है 1 कप पानी और इसे हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और इसमें हमें ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब हमें इस टाइम इसमें डाल देना है मटर और इसे हमें ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। अब हमें मटर को सॉफ्ट करने के लिए इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पका लेना होगा। 15 से 20 मिनट ढक के हो चुका है और यहाँ पर मटर भी सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ सॉफ्ट हुआ है कि नहीं, ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें इसमें ऐड कर देना है मलाई। मलाई मैंने घर पर ही तैयार किया है, अगर आप चाहिएगा तो इसमें रेडीमेड मलाई भी यूज कर सकते हैं। और इसमें मलाई डालते ही आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर हो गया है और इसमें मलाई डालने से इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अब हमें इसमें डाल देना है पनीर। पनीर को हमें एक साथ नहीं डालना है, इसे एक एक करके आप इस तरह से डालिएगा। अब पनीर को ग्रेवी में मिक्स करते हुए इसे हमें अच्छी तरह से डिप कर देना है इस तरह से, और ग्रेवी में मलाई का फ्लेवर आ जाए इसीलिए गैस का फ्लेम को हमें मीडियम फ्लेम में करके इसे 5 मिनट के लिए फिर से ढक देना है। 5 मिनट हो चुके हैं ढके हुए और ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी मटर मलाई पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है।
और इसकी ग्रेवी की थिकनेस भी एकदम परफेक्ट है और इसमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मटर मलाई पनीर बनकर बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे बटर नान, प्लेन चपाती या रुमाली रोटी के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।